नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिकंदरा कानपुर देहात के सदुहापुर गांव में आज 11/4/2024 को किसानों के खेत में 11,000 लाइन से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची संदलपुर चौकी पुलिस, वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाई। एक किसान का 1.5 बीघा खेत खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। अन्य 2 किसानों की फसल जलकर खाक हो गई है। किसान शैलेंद्र अवस्थी पुत्र लज्जाराम अवस्थी ने बताया कि हमारे खड़ी गेहूं 1.5 बीघा फसल जलकर खाक हो गई है और अरुण मिश्रा के खेत जल गए हैं। उमेश मिश्रा का खेत भी जलकर खाक हो गया है। वहीं शैलेंद्र अवस्थी ने बताया खेत में पड़े समरसवेल के 1 दर्जन लगभग पाइप जलकर खाक हो गए। किसानों ने बताया मेरे पास इतना ही गेहूं था, अब कहां से होगा मेरा गुजारा। किसानों की आंखों में आंसू तक आ गए। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र। किस गांव निवासी है? सदुआ। क्या समस्या हो गई यहाँ? यहाँ आज बताते शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी ने लगाई। हम यहाँ खेत पे आए तो इसमें आग लग चुकी। अच्छा अच्छा अरे ये फसल थी काटने को ठेका दिया। कितना गेहूँ जल गया? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा इतना ही गेहूँ था हमारे साथ। अच्छा अच्छा। विनय मिश्रा, सदुआपुर कानपुर देहात। अच्छा, ये कैसे आग लगी है? ये कल रात में आंधी आई, उसी से पेड़ टकरा रहे हैं लाइन में, एसटी लाइन में। जैसे उन्होंने लाइन खोली है तो 3 जगह सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट। उसे तीनों जगह चिंगारी छूटी और खेतों में आग लगी। लगभग कितना नुकसान हुआ? लगभग 3 बीघा का नुकसान हुआ। 3 बीघा और 20 पाइप जल गए। फायर ब्रिगेड किया? फायर ब्रिगेड को सूचना दी, फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने अपना काम किया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।